नमस्कार, हमारा प्रयास है आयुर्वेद के द्वारा आपको सुस्वास्थ्य की प्राप्ति हो, जीवन में प्रसन्नता हो, आनंद हो, आप खुशहाल हो। आयुर्वेद के हिसाब से कुछ जो सावधानियां हमको रखनी चाहिए, थोड़ी सी हम बहुत सामान्य सी बातें हैं कि स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक सात्विक ऋतु अनुकूल आहार का सेवन उपयुक्त माना गया है। यदि हम अपने घर में ये निश्चय कर लें कि ऋतु के विरुद्ध सात्विकता रहित, प्रकृति के विरुद्ध हम आहारों के सेवन नहीं करेंगे तो हम बहुत रोगों से बच सकते हैं। इसी तरह से भोजन को करते समय हम बहुत जल्दी जल्दी उस भोजन को बिना चबाए और बिना कुछ ज़्यादा ध्यान दिए हम खा जाते हैं, अधिकांशतः लोगों की यह स्थिति है। इससे आप बचिए। यदि भोजन को आप चबा चबा करके खाते हैं, अपना ध्यान उसमें केंद्रित करके खाते हैं, तो वह आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो जाता है। और साथ में कई लोग टीवी देखते हुए, बातें करते हुए या भागम भाग में जो भोजन करते हैं वह अत्यंत हानिकारक है। यदि मैं भारतीय परंपरा की बात करूं तो आहार के लिए आपको बैठ करके खाना चाहिए, पालथी मार करके आपको भोजन करना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा कि मध्याह्न में हो सकता है आप लोग अपने कार्यों में, अपने ऑफिस में, अपने कहीं पर हो, पर दिन में कम से कम एक बार यदि आप पालथी मार करके नीचे बैठ करके भोजन करने की परंपरा डालें तो बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। इसी तरह से जब भोजन करते समय उतने समय के लिए टेलीविजन आप बंद कर दें, और पूरा परिवार यदि सामूहिक रूप से भोजन करता है तो और भी बहुत ही उत्तम है, अद्भुत है, प्रेम बढ़ेगा, आत्मीयता बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त भोजन के आधा घंटा पहले और एक घंटा बाद तक आप पानी का सेवन ना करें। भोजन रुक्ष और शुष्क है तो थोड़ा थोड़ा पानी पिए। भोजन करने से पहले आप अपने हाथ पैरों को धो लें। हाथ पैरों को कौन धोए? कसे हुए जूते, टाइट कपड़े उसको पहन करके हम भोजन करते हैं जो बहुत ही हानिकारक होता है। भोजन करते समय वस्त्र या आपकी जो बेल्ट है वो बहुत टाइट कसी हुई नहीं होनी चाहिए, और पैरों में जूते तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। पैरों को धो करके साफ कर करके तब हमको भोजन करने के लिए बैठना चाहिए। इसके अतिरिक्त भोजन के तुरंत बाद न तो स्नान करना चाहिए न ही हमको पैर धोनी चाहिए। भोजन से पहले दो तीन आचमन लेनी चाहिए, दो तीन घूंट पानी पीने से जठराग्नि तीव्र होती है। ये एक सामान्य आयुर्वेद की विधाएं हैं, उपाय हैं। मैं निवेदन करूंगा इन चीज़ों का पालन आप अपने घरों में सुनिश्चित कर लें। इतने मात्र से बहुत सारे व्याधियों से, परेशानियों से और समस्याओं से आप दूर हो जाएंगे। इनडाइजेशन के सुबह उठ करके ही खाली पेट चाय ना पिए, बिल्कुल भी कतई भी ना पिए। आप रात्रि को कभी भी अचार, मूली, तली हुई चीज़ें, दही, ये सब चीज़ों का सेवन ना करें। तो ये कुछ कुछ सावधानियां हैं। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए मैं निवेदन करूंगा, मेरी एक प्रसिद्ध पुस्तक है आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य को आप पढ़िए, घर में एक एक प्रति को जरूर रखिए, उसको पढ़ करके आप अपने जीवन में उस चीज़ का आप आचरण कर सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त आप हमारी एक बहुत छोटी सी पुस्तक है औषध दर्शन,
उस औषध दर्शन के माध्यम से आप स्वास्थ्य रक्षा के विषय में, आहार के विषय में, खान पान के विषय में, कई विषयों में, और औषधियाँ जो प्राकृतिक औषधियाँ हैं, प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ हैं, उन सबको भी आप समझ पाएंगे। क्योंकि एक घंटे के समय पर हम बहुत कुछ आपको नहीं बता पाएंगे। हमारा प्रयास रहता है कि आपको हम बहुत ही सुगमता से, सरलता से और नैसर्गिक उन बहुत ही सहज उपायों को बताएं, क्योंकि जटिलता, विद्वता और असंभवता ऐसी चीज़ों को बताने से, और निरर्थक बातों को बताने से भी, क्योंकि क्षमा करिएगा, आजकल टेलीविजनों में अलग अलग इस तरह के लोग, इस तरह की व्यक्तित्व है, मैं कभी कभी देखता हूँ तो हंसी आती है। कोई हमेशा ही मुंह में बड़ी इलायची रखवाने लगते हैं, कुछ वो तक्र वैद्य बन करके सुबह की छाछ पी लो सब बीमारी ठीक हो जाएगी। कोई कहता है कि नहीं, सुबह भी लौकी खाओ, दोपहर को भी खाओ, शाम को भी खाओ। ये अति और अवैज्ञानिक चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और हमारे देश में तो रसगुल्ला खिला करके डायबिटीज ठीक करने वाले और न जाने क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इन अवैज्ञानिक बातों से हम कई बार जो हमारी वैज्ञानिक परंपराएं हैं उनसे भी हम दूर हो जाते हैं। हमको यह बुद्धि से विचार करके काम लेना चाहिए कि वो कौन सी बातें हैं जिनको हमें ग्रहण करना चाहिए, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें जीवन में उतारना चाहिए, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमको दूर रहना चाहिए। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, विचार करने की क्षमता दी है। बुद्धि रहित होकर के या बहकावे में आकर के हमको कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। कभी कभी थोड़ी सी असावधानी बड़ी हानि का कारण बनता है। उस असावधानी से बचने के लिए जरूरी है कि जीवन का जितना भी समय है हम सही कदम उठाएं, भरसक प्रयास करें कि हमारे शरीर में व्याधि ना हो, इसके लिए प्रयास करें। व्याधि हो भी जाए तो उसको समाधान के लिए सही उपाय करें, यही हमारा लक्ष्य। और बार बार मैं इसलिए इन बातों को कहता हूँ क्योंकि एक बात को चाहे हम एक बार कहें चाहे 10 बार कहें, हो सकता है कई लोग मेरी बातों को कई बार आपने सुनी होगी, हो सकता है कुछ नए भाई बहन होंगे, तो आप इन चीज़ों को अपने हृदय में बैठाइए, हृदय की गहराइयों में बैठाइए। क्योंकि ये जरूरी है कि इस ज्ञान के बिना, इस जानकारी के बिना हमारा जीवन सुखद नहीं हो सकता है, सुख की और आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जी प्रणाम जी। मेरी उम्र जो है 26 साल है। जब मैं मैट्रिक में था तभी से ये गिल्टी गांठ मतलब इस टाइप का पूरे बॉडी में 10-15 हो चुका है। ऐसा है, देखिए ये जो आप बता रहे हैं शरीर में कई जगह पर गांठें, ये गांठें जनरली कई बार मांस की गांठें होती हैं। आयुर्वेद में हम इसको मांसस्थिला बोलते हैं। ये बेनाइन होती है, ये कोई कैंसर्स नहीं होती हैं, परंतु इसे देखने में भद्दा लगता है शरीर। और इसमें हमने देखा है आयुर्वेद से थोड़ा सा लाभ होता है कई बार। कचनार, गुग्गुल और वृद्धिवादी का बटी, दो ही औषधियाँ हम इसमें निर्देशित करते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें पूरा लाभ मिलेगा। भैया तुम प्राणायाम रेगुलर करो, कम से कम 10 मिनट कपालभाति और 15-20 मिनट आप अनुलोम विलोम प्रतिदिन करिए, 5 मिनट आप भस्त्रिका कर लीजिएगा, इससे आपको पूरा लाभ हो जाएगा। इसको लेकर के आप बिल्कुल परेशान मत होइए। प्राणायाम रेगुलर करते रहेंगे तो सिर्फ गांठों के लिए नहीं, गांठों से अतिरिक्त भी पूरे शरीर के लिए वो लाभकारी है। कई बार ऐसा होता है कि हमको किसी रोग का पता भी ना हो, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप प्राणायाम करिए, उस प्राणायाम से उसमें भी लाभ होगा आपको, क्योंकि ये जरूरी है। इस तरह की जैसे गांठें वगैरह होती हैं, जो नॉर्मली जो गांठ होती हैं, तो उसमें आप प्राणायाम से और कुछ थोड़ी सी औषधि से उसको आप ठीक कर सकते हैं। मेरे पिताजी का हाँ ओपन हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन हुआ है। जी जी। तो उनको उनको वाल्व लगा हुआ है। जी। तो थोड़ा सा उनका वाल्व लीकेज था। हाँ। तो उनको मैं आपके लिए 2-3 उपाय बता देता हूँ पिताश्री के लिए, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। कितना समय हुआ सर्जरी को? सर्जरी उनका 2013 में हुआ था। हाँ,
तो अभी पिताजी को आप एक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम तो आप ज्यादा कराइए, कम से कम जी उनको बोलिए 20-25 मिनट करें। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में भी जिन लोगों को तत्काल सर्जरी हुई है या ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, इवन किसी भी तरह के क्रिटिकल केसेस भी हैं, उनको भी यदि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कराते हैं तो उससे रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है और परेशानी बढ़ने की संभावना नहीं होती है। ये हम लोगों ने बहुत सारे क्लिनिकल जो ट्रायल्स हैं, क्लिनिकल जो कंट्रोल ट्रायल्स हैं, हम लोगों ने किए और हमने परिणाम पाया है। तो पिताश्री को एक अनुलोम विलोम प्राणायाम कराइए, और जब जी सर्जरी जी के कई साल हो गए तो धीरे धीरे आप बहुत जोर से नहीं, फोर्सफुली नहीं, कपालभाति प्राणायाम 15 मिनट के लिए कम से कम पिताश्री को आप बताइए। दो तो जी आपको जी प्राणायाम करने, औषधि के रूप में अर्जुन का काढ़ा, जो अर्जुन क्वाथ है वह आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध औषधि है, और हमने देखा है कि हार्ट के लिए, हार्ट की कोई भी ब्लॉकेज हो, चाहे हार्ट इनलार्ज हो, क्योंकि हार्ट की बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, तो उसमें से कम 30-40 तरह की समस्याओं के ऊपर, चाहे लीकेज भी हो, हमने इस अर्जुन क्वाथ के ऊपर काफी हमने रिसर्च किया है और अलग अलग लेवल पर ट्रायल्स हमने किए हैं और हमको बहुत बेहतरीन परिणाम मिला है। तो अर्जुन का क्वाथ, अर्जुन की जो छाल होती है, जहां भी आप रहते हो आप ताजे पेड़ मिले तो पेड़ों से ला सकते हैं, नहीं तो जी पतंजलि के भाई आरोग्य केंद्र चिकित्सालयों से वो बहुत सस्ता होता है, 10-15 रुपया का 100 ग्राम, जो 10-15 दिन की दवाई वो उतने में मिल जी जाती है। उसका काढ़ा बना करके पिताश्री को नियमित रूप से सुबह शाम पिलाइए। वैसे कई बार हम लोग उसको क्षीर भी अर्जुन जो क्षीरपाक भी बनाया जाता है, उसमें काढ़े में ही थोड़ा सा दूध डाल करके यदि पका करके चाय की तरह भी पिताश्री को आप पिला सकते हैं। और जिनको भी हार्ट की कोई भी ट्रबल है, कोई भी प्रॉब्लम है, इवन आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, उसके साथ में इस प्रयोग को कर सकते हैं, बहुत ही निरापद है। इसके अतिरिक्त हमारी एक औषधि है हृदयामृत, हृदयामृत को हमने देखा है बहुत ही लाभकारी है, उसके बहुत सारे चमत्कारिक परिणाम हमने देखे हैं, उससे कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होता है और बाकी पूरा जो लिपिड आपका सिस्टम है वो उससे बहुत बेहतरीन रहता है। तो हृदयामृत की 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को, ये दो चीज तो आप पिताश्री के लिए करिए। और इसके अतिरिक्त कब्ज न रहे, ध्यान रखना, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उसको हमको ध्यान रखने की जरूरत है। और हल्का आहार उनको दे दीजिए और जो भी शरीर के सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह भी करते रहेंगे, पिताश्री बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और हमारी बाबा जी, शुभकामनाएं। बाबा जी इनको एक दवा दिया थी बाबा जी, इनको ब्लड पतला करने के लिए, इनको मतलब दवाई ब्लड ब्लड पतला हाँ, कर दी थी, क्योंकि यदि इनसे जो खराब हो रहा है। दवाइयाँ, जो एलोपैथिक दवाइयाँ यदि आप यूज कर रहे हो, एकदम सहसा जी बंद ना करें, धीरे धीरे जी कर करके डॉक्टर से परामर्श ले लें और जो उनकी रिपोर्ट जैसे नॉर्मल आने शुरू हो जाए, धीरे धीरे कम कर करके बिल्कुल बंद किया जा सकता है। परंतु इस तरह की जो लंबे समय से यदि आप कोई औषधि ले रहे हैं, किसी रोग के लिए आप चिकित्सा ले रहे हैं, तो कभी ऐसी गलती ना करें कि तत्काल सब कुछ बंद मत करना, कभी कभी जी इससे हानि होने की संभावना होती है। उन औषधि के साथ में मैंने इसलिए बिल्कुल कम से कम औषधियां बताई हैं, दो चीज मात्र मैंने आपको बताई, ये साथ में शुरू कर दीजिए। आज हर घर में ऐसा कोई परिवार शायद होगा हिंदुस्तान में जहां हम कह सकें कि हमारा परिवार पूर्ण स्वस्थ है। समदोष समग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्म इंद्रिय मन स्वस्थित्य विधीयते, कि वह परिवार कौन सा है। समदोष सारे हमारे वात पित्त कफ ये सब सम हो, हमारी सारी अग्नि सम हो, मलक क्रिया जो मल विसर्जन की प्रक्रिया वो सही हो, और रस रक्त मांस मज्जा अस्थि आदि जो धातुएं हैं वो ठीक हो। प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन, सबसे कठिन काम है, हमारे पास सब कुछ है पर प्रसन्नता कहाँ है। और प्रसन्नता इंद्रियों के स्तर पर ही नहीं, मन के स्तर पर ही नहीं, वह आंतरिक आत्मा के स्तर पर। हम थोड़ी सी इंद्रिय की प्रसन्नता के लिए गलत आहार व्यवहार आचरण न जाने क्या क्या कर डालते हैं, थोड़ी सी मन की तुष्टि के लिए न जाने किन कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो आयुर्वेद हमको यह सिखाता है कि मन की, आत्मा की और देह की प्रसन्नता के साथ में यदि हमारा शरीर ठीक है तो वही वही स्वस्थ है। तो यह आयुर्वेद के द्वारा ही संभव है, योग के द्वारा ही संभव है। मैं हमेशा निवेदन करता हूँ
कि दूसरी प्रार्थियां वो बीमार होने के बाद में हमको निरोग बनाने की बात करती हैं। योग और आयुर्वेद हमको हम कैसे निरोग रह सकते हैं। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा थी कि हर गांव में एक वैद्य होता था, उन वैद्य के द्वारा आसपास की जड़ी बूटियों से चिकित्सा की जाती थी, उनकी दिनचर्या के लिए, आहारचर्या के लिए, ऋतुचर्या के लिए। मेरी माताएं बहनें विविध तरह के नुस्खों को जानती थी, प्रयोगों को जानती थी, तो उन प्रयोगों के द्वारा वो लोग निरोग रहते थे। आज वह समय परिवर्तित हो गया है, समय के अनुसार हमको भी कुछ नया करना और सीखना पड़ेगा। इसीलिए यदि मैं बात करूं आयुर्वेद की परंपरा की, कहीं पर भी किसी भी शास्त्र में, क्षमा करिएगा, कहीं ऐसी कल्पना नहीं है कि बड़ी बड़ी फार्मेसियां होंगी, एक जगह पर ही दवाइयां बनेंगी, वहां से बनकर के पूरे देश को खिलाना पड़ेगा। ये मजबूरियां हैं, क्योंकि जो आयुर्वेद का उपदेश था, इसीलिए फांट, कषाय, स्वरस, ये सब की जो विधाएं थी वह छोटे स्तर कुटीर उद्योग की तरह से ऋषियों ने विधान किया था, तो उस विधा को भी आज हमने समय के अनुसार, उन्हीं ऋषियों की परंपरा के अनुसार, उसी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए उनको बनाने का प्रयास किया। तो दूसरी बात, जो हमारे यहाँ आहारचर्या, ऋतुचर्या आदि की जो बात थी, उनको भी तो आप पालन करिए, जिससे कि आप निरोग हो सकें और आप कह सकें कि शास्त्रों में जो कथन है, हमारे यहाँ न कोई अविद्वान होता था, न कोई अज्ञानी होता था, न कोई रोगी होता था, वह देश हमारा था। हमारे देश में से वो परंपरा, कई सारी चीज जब चाइना में पहुंची, तो आज भी वो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, कहीं पढ़ी होगी, कि इस तरह से वहां पर चिकित्सा की व्यवस्थाएं कर दी गई थी कि गलियों के किनारे पर लालटेन टंगा होता था घर के बाहर। वो लालटेन टंगा होता था, वो इसका सूचक होता था कि लालटेन जलने का मतलब है कि उस घर में कोई भी रोगी नहीं है। यदि लालटेन उसमें बुझा हुआ लालटेन हो, तो ये होता था कि उसके घर में रोगी है। तो आज तो हम सब की लालटेन बुझी हुई है। आज हम सब के घर में कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा मात्रा में रोगों से हम ग्रसित हैं। हम बिल्कुल निरोग हो सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी दिनचर्या ठीक करनी है, आपको अपने आहार को ठीक करना है, और योगासन, प्राणायाम, अपने रूटीन, दिनचर्या को ठीक करना है। यदि आप इतना ठीक कर दें, और आहार के लिए, शुद्ध आहार के लिए हमने प्रयास किया है पतंजलि के माध्यम से, शुद्ध औषधियों के लिए, जड़ी बूटियों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तो जितने लोगों की सेवा हम कर सकते हैं, तो हम निवेदन करेंगे कि आप कम से कम उतने भाई बंधुओं को हम निवेदन करेंगे कि उनसे आप लाभ उठाइए। देश बड़ा है, पर हम प्रयास भी बड़े करते रहेंगे, तो इसके लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। जितना हो सकेगा हम समाधान भी अभी करते रहेंगे। मेरे पापा हार्ट की बीमारी हो गया, उनको हार्ट अटैक आया था, पेसमेकर पड़ा है उनके हार्ट में। उनके लिए अभी एक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए बोल दीजिए, धीरे धीरे कपाल भांति कर ले, भस्त्रिका कर ले। देखिए, प्राणायाम बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त औषधि के रूप में सिर्फ दो चीज बहुत पर्याप्त है। जितने भी हार्ट के रोगी है, चाहे जिनकी सर्जरी हुई है, नहीं हुई है, या जिनको लगता है कोलेस्ट्रोल वगैरह बढ़ा हुआ है, मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक तो अर्जुन का छाल, उसका काढ़ा बना करके सुबह शाम चाय की तरह पिए, और पतंजलि की एक गोली है हृदयामृत, हृदयामृत गोली की, दो दो गोली हृदयामृत के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे ट्रायल्स कर लिए हैं, एनिमल ट्रायल हुए हैं हमारे, बहुत तरह के अलग अलग स्थिति में किए हैं, और मैं ये बताना चाहता हूँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। चाहे वो कोलेस्ट्रोल की वजह से परेशानी हो, चाहे ब्लॉकेज हो, चाहे हार्ट इनलार्ज हो, किसी भी तरह के हार्ट फंक्शन के लिए बहुत अद्भुत औषधि है। हम लोगों के पास, हम लोगों ने अभी इसको कई वर्ष तक विविध तरह के ट्रायल के बाद में इसको बनाया है। इसको बिल्कुल पिताजी के लिए बोल दीजिए, उनको आराम हो जाएगा। मेरी बहुत शुभकामनाएं। रोगों का अंत नहीं है, हर घर, हर परिवार किसी न किसी आदि व्याधि और परेशानी से ग्रसित है। यदि हम आपके जीवन में खुशहाली ला पाए, आपको रोग मुक्त कर पाए, तो हमारे लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। इसी भावना से, इसी उद्देश्य से पतंजलि श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में, श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से, श्रद्धेय स्वामी जी के तप से हम लोग उस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। आज पतंजलि के पास
टोटल 300 से ज्यादा पीएचडी और बहुत सारे फील्ड में विविध तरह के एक्सपीरियंस लोग आज काम कर रहे हैं। आयुर्वेद को जानने वाले, शास्त्र को जानने वाले हमारे पास 100 से ज्यादा विद्वान हैं जो परंपरागत आयुर्वेद को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको आप समझिए। जिनको आयुर्वेद का पता है उनको रिसर्च का पता नहीं है, जिनको रिसर्च का पता है उनको आयुर्वेद का पता नहीं है, जो मॉडर्न सिस्टम से मेडिकल सिस्टम से सिस्टम को जानता है वो प्राचीन शास्त्रों को नहीं जानता है, जो प्राचीन शास्त्र को जानता है वो मॉडर्न सिस्टम को नहीं जानता है। इसीलिए आयुर्वेद के फील्ड में जो अनुसंधान होना चाहिए, जो कार्य होना चाहिए, वो सरकारी स्तर पर भी नहीं हो पाया। ये तो पतंजलि का प्रयास है। मेरे पास शास्त्र को जानने वाले लोग हमारे यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, आयुर्वेद को जानने वाले लोग हमारे पास हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी से लेकर के फाइटोकेमिकल से लेकर के केमिस्ट्री से लेकर के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं अनुसंधान के लिए, बॉटनी से लेकर के जितनी भी विषयों की आवश्यकता होती है, उन्हें सब चीज़ों को जानने वाले आधुनिकी और प्राचीन विद्वानों की टोली पतंजलि में है। ये वर्षों अनुसंधान करके, वर्षों उनको ट्रेनिंग दे करके, विविध तरह की चीज़ों को सिखा करके आज वो निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा के लिए पतंजलि के माध्यम से काम कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आयुर्वेद को आप यूं ही हल्के में ना लें, पूरी प्रामाणिकता के साथ में आपकी जो शंकाएं हो, जो प्रश्न हो, हम समाधान कर सकते हैं। आप निरापद औषधि को अपना करके अपने स्वास्थ्य को ठीक करिए, ये हमारा निवेदन है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि नीम हकीम खतरे में जान कभी मत करना। विविध तरह के जो चलते फिरते नुस्खे टोने टोटके के माध्यम से कहीं अपनी सेहत को भी मत खराब करना। चाहे कितनी भी दावा करें, कितनी भी बात करें, लोगों के पीछे के जो बैकग्राउंड है, उनके पास उपलब्ध जो संसाधन है, उनकी जो भावनाएं हैं, जो उसका जो इंटेंशन है, उसको आप जरूर सोच करके तो ही आप चिकित्सा का लाभ लेना। क्योंकि हमारे यहाँ लोभी लालची स्वार्थी जो विविध तरह के विकारों से ग्रसित है, ऐसे चिकित्सक से, ऐसे संस्थानों से चिकित्सा की सेवा के लिए निषेध किया गया। दुर्भाग्य से आज इस तरह के संस्थानों का और व्यक्तियों का चयन बहुत दुष्कर और दुर्लभ हो गया है। ये तय आपको करना है कि आपको कहाँ जाकर के कौन से संस्थान से, पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कहीं भी जाकर के कुछ भी खा करके यदि आप ठीक नहीं हुए हो तो भी एक बार आप पतंजलि चिकित्सालय में, क्योंकि मेरा निवेदन वो निशुल्क है परामर्श, वैद्य 1500 वैद्य हमारी सेवाएं दे रहे हैं, एक बार आप जाके जरूर दिखाना अपने पड़ोसी रिश्तेदार मित्र बांधव उनसे एक बार जरूर बोलना। एक तो ये मेरा निवेदन है। दूसरा, आपको कोई भी बीमारी है, कोई भी रोग है, आप प्राणायाम जरूर शुरू कर देना बिना देर करें। और यदि आप पहले से करते हो तो आप विश्वास रखिए, समय को टाइमिंग को बढ़ाइए, और तीसरी चीज खाने पीने में थोड़ा आप ध्यान दे दीजिए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भरपूर लाभ मिलेगा, आप उसी तरह से आनंदमय जीवन को जी सकेंगे जैसे आप पहले बचपन में या अपनी जवानी के दिनों में आप आनंद से अपने जीवन को जी रहे थे। ये मेरा निवेदन। हरिओम बाबा जी, हेपेटाइटिस बी का इलाज है अपने आयुर्वेद? हाँ बिल्कुल भाई, हेपेटाइटिस बी का इलाज है। और कई बार हेपेटाइटिस बी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका 100% नेगेटिव हुआ है, और बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनका वायरल लोड जो है बिल्कुल कम हुआ है। तो इसीलिए आप निर्भयता के साथ में हमारे किसी भी चिकित्सालय में जाकर के आप दिखाइए, और आयुर्वेद की जो बहुत सारी ऐसी महंगी औषधियां नहीं है, सामान्य औषधियां हैं, उसमें जो मुख्य प्रयुक्त होने वाली, जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, लीवर के लिए हमारा सर्वकल्प क्वाथ में मकोए है, पुनर्डवा मूल है, और इसके अतिरिक्त भूमि आंवला है उसका काढ़ा, और उसमें हेपेटाइटिस बी और सी के लिए मैं पूरे देश को बताना चाहूँगा, हम एक औषधि और देते हैं, उसका हमारा नाम है टोटला क्वाथ। वस्तुतः ये टोटला शब्द कोई आयुर्वेदिक शब्द नहीं है,
यह शवनाक का एक वृक्ष होता है जो पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, हिमाचल में भी है, सिक्किम वगैरह में भी होता है, उत्तराखंड में भी है। तो जो पहाड़ के थोड़ा सा क्षेत्र है, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फलियां लगी होती हैं। बुद्ध धर्म के अंदर उसको पवित्र माना जाता है, उसके अंदर की जो सफेद सफेद सा बीज बहुत पतले पतले से होते हैं, तो उनको हिमाचल में तो देखा होगा आपने टोपी लगाते हैं। तो उस पेड़ की जो छाल है, जब हम एक छोटी सी कहानी है आपके नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि हम लोगों ने जड़ी बूटियों के नॉलेज के लिए बहुत तप संघर्ष और पूरे देश का भ्रमण किया है। तो हमारे एक जब हम लोग सिक्किम में योग शिविर लगा रहे थे, तो वहां एक कमिश्नर थे, उन्होंने कहा कि हमारे मामा जी हेपेटाइटिस बी की चिकित्सा करते हैं परंतु वो दवाई नहीं बताते हैं। तो हमने बहुत प्रयास किया कि वो क्या बताते हैं, तो पता चला कि वही शवनाक के छाल को 10 ग्राम के लगभग को, और कहते रात को भिगाओ, सुबह मसल करके छान करके उसको पियो, उसके साथ में थोड़ी सी मात्रा में कपूर की छोटी सी डली देते थे। तो हमने देखा कि वह औषधि का प्रयोग, फिर हमने टोटला, क्योंकि सिक्किम में उसको टोटला बोलते थे, हमने उसका नाम ही टोटला रख दिया। वस्तुतः वो शवनाक की छाल है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टोटला को आपको 10 ग्राम को आप रात को पानी में भिगो दीजिए, या उसको उबाल करके भिगो दीजिए, सुबह छान करके मसल करके उसको पीना है। सर्वकल्प क्वाथ का जो काढ़ा है उसको सुबह शाम को पीना है, जो टोटला क्वाथ है वो एक ही दिन पीना है। तो इससे हेपेटाइटिस बी के लिए भी, इवन सी के लिए भी, प्लस जिसको जॉन्डिस, जिसका ब्लोरोबिन बढ़ा हुआ है, तो बहुत सारे ब्लोरोबिन बढ़े हुए पेशेंट्स में भी उससे तत्काल लाभ होता है। तो एक बार वैद्य को जरूर आप दिखा करके, बाकी भी यदि आपको हो सकता है कुछ और भी परेशानियां हो उनके साथ शुरू कर दीजिए। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि दवाई औषध है और आप ठीक हो जाएंगे, थोड़ा योगासन प्राणायाम भी आप शुरू कर दीजिए। मैं आपको एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी जो हेपेटाइटिस बी जब हमने चिकित्सा शुरू करी, तो सबसे पहले मेरी पेशेंट थी वो सर्जन थी, डॉक्टर भारती करके, हमारे हरिद्वार में रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल है। ये कहानी कोई आज से लगभग 16 साल पुरानी बात होगी, तो मेरे को आज भी स्मरण है। तो जब हमने उनकी चिकित्सा करी और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी, और ठीक हुई तो लोगों ने कहा कि ये तो ठीक होने वाली बीमारी ही नहीं है, कैसे ठीक हो गई। तो लोगों को बहुत भरोसा ही नहीं हुआ, पर बाद में आज तक भी वो ठीक हैं। आज सर्जन है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, संभवतः वो भोपाल में है भी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे उदाहरण हैं, और हमारे चिकित्सालय में भी 50,000 लोग लगभग प्रतिदिन जाते हैं। तो सभी पेशेंट्स का रिकॉर्ड और डेटा हमारे पास है, ये पूरी प्रामाणिकता के साथ हम बात कर रहे हैं, और उन रिकॉर्ड में भी हम यहाँ तक भी रख रहे हैं कि यदि एक बार आप चिकित्सालय में जाते हैं तो आपने औषधि लगातार ली, नहीं ली, नहीं ली तो क्यों नहीं ली, लगातार ली तो आप कितने ठीक हुए, कितनों को हम ठीक नहीं कर पाए, ये व्यवस्थित रूप से ये EMR सिस्टम पूरा लगा हुआ है। ये भी पतंजलि के द्वारा है, पहली बार ऐसा प्रयास किया जा रहा है। और इसमें आप ये भी निश्चिंत रहिए कि कोई भी साइड इफेक्ट वाली, कोई हानि करने वाली, कोई नुकसान करने वाली कोई भी ऐसी चीज पतंजलि के द्वारा आपको नहीं दिया जाता है, ना उतनी अतिरिक्त डोज में दिया जाता है। इसलिए आप निर्भय होकर के, निर्धक होकर के पतंजलि के चिकित्सालय में पहुंचिए और वहां जाकर के अपनी चिकित्सा का लाभ ले लीजिए।